नमस्कार दोस्तों, मित्रों, आज जिन मित्रों का, दोस्तों का जन्मदिन है उनको हृदय से बधाई, शुभकामनाएं, आशीर्वाद। माताजी गुरु महाराज की कृपा से उनका आने वाला समय जीवन सुखमय हो, मंगलमय हो, इसी शुभकामना के साथ सभी को बधाई देते हैं। जय श्री महाकाली। तो दोस्तों, राशि के हिसाब से जो धन आगमन के कुछ उपाय हैं वह आपको आज बताते हैं। सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं। अभी 21 तारीख को सूर्य ग्रहण भी पड़ने वाला है, तो याद रखें उस दिन आपको यदि कुछ अच्छा करना है, कुछ शुभ प्राप्ति करना है, तो आप ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का अधिक से अधिक ग्रहण काल में जाप करें। स्नान आदि करने के बाद और मध्य में हवन इत्यादि करें और ग्रहण के अंत में दान इत्यादि करके यह पुण्य फल प्राप्त करें। सिंह राशि वालों के लिए विशेष लाभकारी रहेगा। दूसरा, तुला राशि वालों के लिए बता देते हैं। तुला राशि के स्वामी जो है, राशि स्वामी शुक्र हैं। शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु, उन्हीं के नाम से तुला राशि के जो राशि स्वामी हैं शुक्र, वह ऐश्वर्य धन आदि प्राप्ति कराने में सक्षम रहते हैं। तो तुला राशि वालों को गूलर का वृक्ष पौधा प्राप्त करना है और उसके सामने ओम सुम शुक्राय नमः इस मंत्र का यथाशक्ति यथासंख्या जाप करना है। ओम और ओम श्रीम श्रीयै नमः इस मंत्र का भी जाप करना है, जिससे कि धन आगमन के साधन आपको मिलते जाएंगे और आप इसमें सफल होते जाएंगे। इसके बाद एक विशेष जो कुछ साधकों के हिसाब से है, कुछ मित्रों ने, कुछ शिष्यों ने भी हमसे पूछा है और बोला कि गुरुजी हम कुछ साधना करना चाहते हैं, इस विषय में कुछ आप हमें निर्देश, दिशा निर्देश दीजिए। तो उन सब के लिए क्या है, आने वाला समय, अभी सूर्य ग्रहण भी है और दूसरे दिन से गुप्त नवरात्रि भी शुरू प्रारंभ होने जा रही है आषाढ़ की, जो बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है। इसमें आपको जो साधक लोग हैं, जो साधना करना चाहते हैं, उनके लिए विशेष नील सरस्वती साधना, शायद नहीं सुनी हो, फिर भी हम आपको बता देते हैं, बहुत सरलतम है। इसका फल भय से मुक्ति, धन प्राप्ति, कोर्ट मुकदमे में विजय और विशेष करके चुनावों में विजय प्राप्ति दिलाने में यह स्तोत्र, यह साधना बहुत ही उपयोगी है। इसका मंत्र आप सुन लीजिए, 16 अक्षर का मंत्र है, ओम श्रीम ह्रीम हसौ ओम फट नील सरस्वत्यै स्वाहा, यह इसका मंत्र है। इसमें विनियोग ध्यान इत्यादि आते हैं, फिर उसके बाद नील सरस्वती जी का स्तोत्र है, इसको आप इन गुप्त नवरात्रि में कीजिएगा। इसका जो भी फल है वह आपको निश्चित रूप से गुरु माता, गुरु महाराज और माता जी की कृपा से वह प्राप्त होगा। जय श्री महाकाली, जय गुरुदेव।